Corn Study had completed the family of 55,000 plus subscribers. If you want to promote and boost up your business here, you can mail us at successpath0786@gmail.com. Hello everyone, welcome to Corn Study. This is Shekharshi. इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे ऑफ जे एंड के फ्रॉम जैन 2020 टू दिसंबर 2020. मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले वाले पार्ट में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट सिक्स मंथ्स, दैट इज़ अप टू जून, और सेकेंड वाले पार्ट में हम फिर जून से दिसंबर तक देखेंगे. ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए. आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और दो तीन बार रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो द फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्स हाईएस्ट इनपेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी केयर इन द कंट्री. तो रिपोर्ट के मुताबिक जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है PHS, वो प्रोवाइड करते हैं 96% ऑफ IPD केयर इन रूरल एरियाज, जो कि हमारे कंट्री का एवरेज है 85%, उससे कहीं ज़्यादा है. और इसमें जो दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ जो केरला स्टेट थी, दैट वाज द स्टेट विद द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया फॉर ऑल एज. तो J&K ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है. J&K हैज सरपास केरला एज द स्टेट विद द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया फॉर ऑल एज. ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ चिनाब ब्रिज, दैट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बाय इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया बाय 2021. सो 9 जनवरी 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई डेडलाइन सेट की थी फॉर द कम्प्लीशन ऑफ दिस ब्रिज. सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनेगा ये. और इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज़ कोंकण रेलवेज. और जो चिनाब ब्रिज है इट विल बी 35 मीटर टॉलर देन द एफिल टावर इन पेरिस फ्रांस. ओके, इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक बार जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो चाइना का एक ब्रिज है दैट इज़ बिपिन रिवर शुभाई रेलवे ब्रिज, दैट इज़ 275 मीटर्स, तो ये उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगा. ओके, सो इट इज़ एन 111 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन कतरा एंड बानिहाल. और इसमें और एक पॉइंट है कि इस प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002. सो हो सकता है इस पे जो क्वेश्चन आए, या हो सकता है क्योंकि ये चिनाब पे बना हुआ है तो चिनाब रिवर पे क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चिनाब के बारे में देखते हैं. चिनाब रिवर जो है ये दो रिवर्स से मिलकर बनता है. दो रिवर जो कि चंद्रा एंड बगा है, वो रिवर्स मिलते हैं तंडी में जो कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के. उनके अपर एरियाज में चंद्रा एंड बगा रिवर्स मिलकर चिनाब बनाते हैं, इसीलिए अपर रीजन में चिनाब रिवर को चंद्रबगा रिवर भी बोलते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चिनाब को अपर रीजन में क्या कहते हैं, इसको चंद्रबगा कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो रिवर से मिलकर बनता है, दैट इज़ रिवर चंद्रा एंड बगा. ओके, सो आगे चलते हैं. और चिनाब जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ अबाउट 960 किलोमीटर्स. ओके, सो कोंकण रेलवे, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोंकण रेलवे, तो इसका आपको याद रखना है. चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दैट इज श्री संजय गुप्ता, एंड हेडक्वार्टर जो इसके है दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेलापुर नवी मुंबई. ओके, गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹2,379 करोड़ फॉर कंप्लीटिंग जीमो टनल इन J&K. सो 17 जनवरी 2020 एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था न्यू दिल्ली में फॉर कंप्लीटिंग जीमो टनल इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस एग्रीमेंट में ₹2,379 करोड़ अलोकेट हुए थे, और एक टाइम लिमिट था इस टनल को कंप्लीट करने में, दैट वाज 3.5 ईयर्स. तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो पैक्ट साइन हुआ था या एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट वॉज साइन बिटवीन NHIDCL एंड APCO. वॉट इज़ NHIDCL? NHIDCL is National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, and APCO is Amarnathji Tunnelway Private Limited. तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखोगे काफ़ी है. सो आगे चलते हैं. इस टनल की जो लेंथ है इट विल बी 6.5 किलोमीटर्स,
एंड इट विल बी अ टू लेन बाई डायरेक्शनल टनल। एंड कनेक्टिविटी की बात अगर करें, इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू सोनमर्ग टूरिस्ट स्पॉट्स इन J&K। ओके, तो आगे चलता है। श्रीनगर डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। सो 21 January 2020 को जो श्रीनगर के मेयर है जुनैद अजीम मत्तू, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर ने ज्वाइन किया है द लिस्ट ऑफ OFD। व्हाट इज़ OFD? इट इज़ ओपन डेफिकेशन फ्री। श्रीनगर को स्वच्छता की सर्टिफिकेट मिली थी, और ये सर्टिफिकेट मिली थी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ श्रीनगर रिसीव्स 45th रैंक इन द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। कंट्री की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ में श्रीनगर को मिला था 45th रैंक। ओके, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रिनेम्स PHE एंड IFC डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑन 6 February 2020। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने PHE एंड IFC इन डिपार्टमेंट्स का नाम बदल कर दोनों का नाम रख दिया जल शक्ति डिपार्टमेंट। कब रखा? 6 February 2020 को। तो हो सकता है क्वेश्चन आए कि कब रखा, या हो सकता है क्वेश्चन आए कि जल शक्ति डिपार्टमेंट किन दो डिपार्टमेंट्स का नाम रखा गया। सो इट इज़ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इन दोनों डिपार्टमेंट्स का नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा गया 6 February 2020 को। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है कि विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 20 है। और एक चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शन 9 मेडिकल कॉलेज एंड 2 एम्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स दिए, सेंक्शन किए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इस पर जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज़ 1661 करोड़। ओके, आगे चलते हैं। सो मध्य प्रदेश इट वॉज द टॉप, इट वॉज फॉलोड बाई ओडिशा, महाराष्ट्र, जबकि हमारी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है, इट वॉज एट द बॉटम, दैट वॉज इट वॉज एट 33rd विद अ स्कोर ऑफ 2.0। ओके, सो नेक्स्ट इज फुटबॉल क्लब गोवा क्रिएटेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन क्लब टू रीच 2021 AFC चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेज। सो जो फुटबॉल क्लब गोवा है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाई बिकमिंग फर्स्ट इंडियन क्लब, पहला इंडियन क्लब जो पहुंचा 2021 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियंस लीग। ओके, ये कब हुआ था? 19 February 2020। ओके, तो आगे तो अगर हम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बारे में देखें, इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इट हैज़ अ मोटिव वन एशिया वन गोल। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 May 1954। इसके हेडक्वार्टर्स मलेशिया कोलालंपुर में है, और इसका जो प्रेसिडेंट है, दैट इज शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ओके, तो आगे चलते। श्री किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख ऑन 25 February 2020। सो 25 February 2020 में श्री किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया था पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स। कहाँ पे किया था? लेह लद्दाख में। ओके, तो आगे चलते हैं। 2 March 2020 को जो हिस्टोरिक स्टी चौक है ओल्ड जम्मू में, उसका नाम चेंज करके भारत माता चौक रख दिया गया। तो आपको डेट याद रखनी है, और याद रखना है कि नाम चेंज करके क्या रखा, भारत माता चौक रखा। कब? 2 March 2020 को। और इसके साथ ही वहाँ पे एक सर्कुलर स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका नाम भी चेंज करके अटल चौक रख दिया गया। अटल चौक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में रखा गया, उसका नाम अटल चौक। एंड जो हिस्टोरिक स्टी चौक है, उसका नाम रख दिया गया भारत माता चौक। ये कब हुआ? 2 March 2020 को। ओके, तो आगे चलते हैं। LG गिरीश चंद्र मुर्मू लॉन्च्ड स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन जम्मू एंड कश्मीर। 5 March 2020 को LG गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने एक स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वेलबींग के लिए इन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम। ओके, आगे चलते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हिरदीश कुमार एज न्यू चीफ इलेक्ट्रोलर ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 16th मार्च 2020. सो 16th मार्च 2020 को ECI दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिरदीश कुमार को अपॉइंट किया एज न्यू चीफ इलेक्ट्रोलर ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उन्होंने रिप्लेस किया शैलेंद्र कुमार को. ओके, तो आपको ये याद रखना है, पहले जो थे वो थे शैलेंद्र कुमार चीफ इलेक्ट्रोलर ऑफिसर, और 16th मार्च को उन्हें रिप्लेस किया हिरदीश कुमार ने. ओके, तो आगे चलते हैं. निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हाईएस्ट बजट फॉर J&K ₹1,01,428 crore फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ऑन 17th मार्च 2020. 17th मार्च 2020 को निर्मला सीतारमन ने सबसे हाईएस्ट बजट पेश किया था श्री जम्मू एंड कश्मीर के लिए. एंड कितना था वो था ₹1,01,428 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21. जम्मू एंड कश्मीर अनाउंसेस ₹5 lakh फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत. 18th मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर ने 5 lakh फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस किया था अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत. ओके, सो इट वॉज द डिसीजन इट वॉज टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ J&K LG गिरीश चंद्र मुर्मू. ओके, आगे चलते हैं. J&K हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम डिपार्टमेंट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स टू बी मर्ज्ड. J&K हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने का डिसीजन लिया गया ऑन 17th मार्च 2020. क्यों किया गया ऐसा? फॉर इफेक्टिव कन्वर्जिंग एंड मार्केटिंग. इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए इन दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने का फैसला लिया गया 19th मार्च 2020 को. आगे चलते हैं. लेह टू होस्ट इंटरनेशनल योगा डे. यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून 2020 को मनाया जाता है, और इस बार लेह वॉज टू होस्ट इट. ओके, सो लेह वॉज टू होस्ट इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और पहली बार ये 2015 में सेलिब्रेट किया गया था. एंड उसके बाद हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. आगे चलता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. पंचायत अवार्ड 2020. जम्मू एंड कश्मीर एंड ओडिशा को 3 पंचायत अवार्ड्स मिले थे. ओके, नेशनल अवार्ड. सो 24th अप्रैल 2020 दैट इज़ द नेशनल पंचायती राज डे. आपको ये डेट भी याद रखना है. नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24th अप्रैल. तो उस दिन 2020 को जम्मू एंड कश्मीर और ओडिशा को 3 पंचायत अवार्ड मिले थे. तो यहाँ पे जो 3 पंचायत अवार्ड थे वो आपको याद रखना है. पहला जो था दैट वाज पंचायत जमोला लोअर ऑफ राजौरी, उनको मिला था डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. पहला अवार्ड जो था वो मिला था डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पंचायत जमोला लोअर. ओके, और उनको किस कैटेगरी में मिला था? दैट वाज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड. सेकंड मिला था पंचायत दंगरी ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थे पंचायत दंगरी. इनको मिला था नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए. एंड थर्ड वॉज पंचायत ऑफ जलूरा बी और बारामूला. ओके, सो बारामूला के जलूरा से एक पंचायत थे, उनको अवार्ड मिला था. And what was the award category? थी District Gram Panchayat Development Plans 2020. Okay, so ये 3 awards जो थे जम्मू एंड कश्मीर से लिए थे. So 2 district राजौरी में गए थे and 1 district बारामूला में. Okay, so आपको याद रखना है कि किस किस district में award लिया पंचायत ने और कौन सी category का award लिया. तो 3 J&K को गए थे and 3 ओडिशा को गए थे. आगे चलते हैं. So here is an अगेन एन इम्पॉर्टेंट. कश्मीर सेफ्रॉन गेट GI टैग. 1 मई 2020 को कश्मीर के सेफ्रॉन ने GI टैग ले लिया आफ्टर चेक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर गोरखपुर टेरिकॉटा एंड कोवलपति कडाइला मिटाई द कश्मीर सेफ्रॉन गेट्स कल्टिवेटेड हार्वेस्टेड इन द करेवा सॉइल. कश्मीर सेफ्रॉन जो है ये पाम्पोर डिस्ट्रिक्ट में हार्वेस्ट किया जाता है करेवा सॉइल्स में. सो इसने GI दैट इज़ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अवार्ड लिया था या टैग सॉरी लिया था नॉट अवार्ड टैग लिया था 1 मई 2020 को. सो यहाँ पे और आप याद रख सकते हो टाइप्स ऑफ सेफ्रॉन इन कश्मीर.
दैट इज़ लच्छा सैफ्रॉन, मोंगरा सैफ्रॉन एंड गुच्ची सैफ्रॉन। तीन टाइप्स के सैफ्रॉन्स होते हैं कश्मीर में, लच्छा सैफ्रॉन, मोंगरा सैफ्रॉन एंड गुच्ची सैफ्रॉन। ओके आगे चलते हैं। इन अ फर्स्ट पी ओ के गिलगित बाल्तिस्तान एंड मुजफ्फरबाद इंक्लूडेड इन द मटीरियोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट ऑफ IMD। सो 7 मई 2020 को पहली बार जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है उसने इंक्लूड किया गिलगित बाल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद को भी अपने वेदर फोरकास्टिंग में पहली बार। ओके सो नेक्स्ट जल जीवन मिशन, हरियाणा एंड JNK टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाई December 2022। तो जल जीवन मिशन एक स्टार्ट हुआ था जिसमें 13 मई 2020 को कहा गया कि हरियाणा एंड JNK में बाय द एंड ऑफ December 2022 इट विल प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। ओके आगे चलते हैं। मैं आपको याद रखना है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर इज गजेंद्र सिंह शेखावत एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इज रतन लाल कटारिया। ओके JNK एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 CIIIT सेंटर्स। ओके 30 अप्रैल 2020 इन ऑर्डर टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट ऑफ JNK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन It signed a memorandum of understanding with Tata Technologies to set up 2 centers for invention, innovation, incubation and training in the Union Territory. To kahan kahan pe? Each one at Government Polytechnic College at Jammu and Baramula. So, 2 CIIT centers set up karne ki baat hui thi. Ek to Jammu mein and dusra Baramula mein at Government Polytechnic College. आगे चलते हैं। JNK प्रमोट्स ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। सो जम्मू एंड कश्मीर में एक इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट्स ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। इन जम्मू एंड कश्मीर द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इनिशिएटेड अ स्लू ऑफ मेजर्स अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स विद कंप्लीट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड अदर वायबल मीन्स इन वेक ऑफ COVID-19 लॉकडाउन। ओके एंड नेक्स्ट वॉज JNK स्टार्ट्स एन इनिशिएशन दैट वॉज सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस। ये लॉन्च हुआ था 20 मई 2020 को। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। उन्होंने एक इनिशिएशन स्टार्ट किया था सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस। Why was it was released or it was started in order to spread awareness about psychological impact of lockdown and measures to be adopted to overcome them. So next is Ladakh inaugurates the first solar lift irrigation plant of Kargil. So ye hua tha 27 May 2020, Ladakh's director of animal sheep husbandry and fisheries that is Mohammad Raza inaugurated the first solar lift irrigation plant of Kargil with 5 kilowatt solar plant and 3 house power submersible pump installed by Kargil Renewable Energy Agency at Yak Breeding Farm Bodh Kharbu. तो कहाँ पे था? बोध खरबू में इन्होंने ये लॉन्च किया था, इंस्टॉल किया था फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ करगिल। सो नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर 2020 पुलित्ज़र प्राइजेस अनाउंसड, 3 फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉन द फीचर फोटोग्राफी। तो 4 मई 2020 को पुलित्ज़र प्राइजेस जो थे वो अनाउंस हुए थे, जहाँ पे 3 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट को जो कि डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी अहमद, जो तीनों जम्मू एंड कश्मीर से थे, जो काम करते थे फॉर एसोसिएशन प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने 2020 पुलित्ज़र प्राइज अवार्ड जीता इन फीचर फोटोग्राफी। ओके सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 फोटो जर्नलिस्ट कौन कौन से थे, डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद, जहाँ पे डार यासिन एंड मुख्तार खान कश्मीर से है जबकि चन्नी आनंद जम्मू से है। ओके तो ये कब हुआ था? 4 मई 2020 को। तो पुलित्ज़र अवार्ड के बारे में देखते थे, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1917 में।
इट इज़ एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इट इज़ प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ये वाला दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ओके, एंड यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है एसोसिएटेड प्रेस के बारे में. इट इज़ प्रेजिडेंट एंड CEO दैट इज़ गैरी प्रूथ एंड हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क USA. ओके, आगे बढ़ते हैं. जितेंद्र सिंह ई इनॉग्रेट्स दैट इज़ वर्चुअल इनॉग्रेशन पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन J&K. तो 24 जून 2020 को जितेंद्र सिंह ने दो ब्रिज की इनॉग्रेशन की थी वर्चुअल ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. दैट वाज पुनेजा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट. तो ये दो ब्रिज की इनॉग्रेशन उन्होंने की थी. आगे चलते हैं. सेंटर सेक्शंस एडिशनल रुपीज़ 1691 करोड़ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन J&K उत्तराखंड. ओके, J&K उत्तराखंड में सेंक्शन ने एडिशनल 1691 करोड़ दिया थे फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. ओके, ये कब हुआ था? इट वाज़ ऑन 28 जून 2020. और ये जो पैसा है ये कंस्ट्रक्शन दिया था फॉर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज़ ये किया गया था इन वेक ऑफ क्लैशेस विद चाइना के बॉर्डर एरियाज़ के लिए 1351 करोड़ दिए गए थे और जबकि बाकी 340 करोड़ दिया गया था रोड बिल्डिंग इन उत्तराखंड. ओके, सो आगे चलते हैं. J&K LG गवर्नर लॉन्च सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप दैट इज़ मेरा वतन वर्जन 1 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. 3 जून 2020 को एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी जिसका नाम था मेरा वतन वर्जन 1. ये लॉन्च की थी LG ने, यहाँ पे जो गवर्नर थे उन्होंने लॉन्च की थी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने. तो एक मोबाइल ऐप थी दैट वॉज अ सैलरी ट्रैकर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसका नाम था मेरा वतन वर्जन 1. लॉन्च हुई थी 3 जून 2020 को. आगे चलते हैं. एग्री डिपार्टमेंट ऑफ J&K चेंज इट्स नेम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट. तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि 17 जून 2020 को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो J&K है उसने अपना नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट रखा. ओके, सो आगे चलते हैं. 6 district hospitals ऑफ J&K विंस कायाकल्प अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट इन हेल्थ सेक्टर ऑन 24 जून 2020. 6 district hospital J&K ने कायाकल्प अवार्ड जीता था फॉर देयर अचीवमेंट इन हेल्थ सेक्टर का 24 जून 2020. इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी एंड 3 other district hospitals फॉर जम्मू वॉन द कैश अवार्ड ऑफ ₹50 lakh ईच एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ वॉन कमेंडेशन अवार्ड दैट इज़ 3 lakh ईच. ओके, आगे चलते हैं. J&K फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस लीडर पी नमग्याल पासिस अवे एट 83. सो ऑन 1 जून 2020 जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे या फिर कांग्रेस लीडर थे दैट इज पी नमग्याल, वो इस दुनिया से चले गए एट द एज ऑफ 83. ओके, ही वॉज बॉर्न इन December 7, 1937 इन नुब्रा लद्दाख. सो थैंक यू, दिस वॉज द पार्ट 1. सो इसमें जो करंट अफेयर्स है वो कवर हुए अप टू जून. सो फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर उनके लिए मैं एक सेकेंड पार्ट वीडियो का बनाऊंगी जिसमें हम वो कवर करेंगे. सो आप ये वीडियो 1-2 बार रिवाइज कीजिए तब जाके आपको ये फैक्ट्स याद रहेंगे. ओके, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय एंड गुड लक.